बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना की जद में कोरोना वॉरियर्स। ऐसे में अस्पताल के एक वरिष्ठ प्रोफेसर पॉजिटिव, एनेस्थीसिया के एचओडी आए हैं कोरोना पॉजिटिव और पिछले 3 दिनों में कोरोना की चपेट में चौथा चिकित्सक, चारों चिकित्सक एनेस्थीसिया विभाग से जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़े हुए हैं। विकास, वाकई में चिंता का विषय कह सकते हैं कि जो युद्ध लड़ रहे हैं, जो जंग लड़ रहे हैं, वही अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल दिव्या, देखिए जिस तरह से ये खबर सामने आई है बहुत ही सभी के लिए चौंकाने वाली खबर है। एनेस्थीसिया जो कि इस बीमारी के अंदर सीधे डायरेक्ट पेशेंटों से कनेक्ट रहने वाले जो डिपार्टमेंट के जो चिकित्सक है वो हैं और उन्हीं के एचओडी जो हैं वो अभी देर शाम की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर पॉजिटिव आ गए हैं। इससे पहले 3 डॉक्टर, पिछले 3 दिन की बात करें तो 3 डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। तीनों ही रेजिडेंट थे जो पॉजिटिव आ चुके हैं, आज एचओडी है वो भी पॉजिटिव आ गए। कुल मिला के चारों जो पॉजिटिव अब तक आए हैं, चारों ही एनएचसी से डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं और पूरे जो सूचना मिली है, जब एचओडी पॉजिटिव आने की जो सूचना मिली है उसके बाद पूरे मेडिकल कॉलेज प्रशासन में खलबली मची हुई है। सभी लोग जो है टेंशन की स्थिति में आ गए, उनमें से कई लोग ऐसे जिन्होंने अभी आनंद भान में अपने टेस्ट भी कराए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास शर्मा इस जानकारी के लिए। तो SMS अस्पताल के एक वरिष्ठ प्रोफेसर पॉजिटिव पाए गए हैं, लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। एनेस्थीसिया के एचओडी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।